हेलो गाइस, फैक्ट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे होंडा के इलेक्ट्रिक स्कूटर AE75 के बारे में। हीरो भारतीय बाजारों में ग्राहकों को कैप्चर करने के लिए नए स्कूटर पेश कर रही है। जहां कंपनी ने पिछले कुछ महीनों में मध्यम और अधिक बजट रेट के साथ पॉपुलर स्कूटर लॉन्च किए हैं, लेकिन इस बार होंडा कंपनी काफ़ी कम कीमतों के साथ होंडा इलेक्ट्रिक AE75 स्कूटर को लॉन्च करने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी इस स्कूटर को लगभग 80,000 रुपये की कीमत के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च करेगी, जो मार्च 2023 तक प्री बुकिंग और डिलीवरी के लिए उपलब्ध हो सकता है। इस स्कूटर में कंपनी ने पावरफुल बैटरी का इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से स्कूटर सिंगल चार्ज में 75 किलोमीटर तक की रेंज देने में सक्षम है और ये स्कूटर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड पर चल सकता है। अपनी रेंज के अलावा AE75 अपने आकर्षक डिज़ाइन से भी लोगों को आकर्षित करेगा। जहां होंडा कंपनी ने अपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए नया डिज़ाइन दिया है, इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक और रियर ड्रम ब्रेक दिया गया है, जो अतिरिक्त डिज़ाइन के साथ उपलब्ध होगा। ये स्कूटर बहुत हल्का है और चलने में आसान है। इसे उन लोगों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है जो शहर की भीड़ भरी सड़कों या छोटे रास्तों से नेविगेट करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही स्कूटर एक शक्तिशाली LED हेडलाइट से लैस है, जो रात में बेहतर रोशनी प्रदान करता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना गाइस। आने वाले नए अपडेट्स और उनकी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।